नमस्कार, मुँ जोस्ना, स्वागत करुच्ची आम चैनल को। आज आम बनैवा छतु चटपटा। चलो तो तबे देखि नबा कौन कौन सामग्री दरकार। एटी मु 500 ग्राम छतु नहीं ची, भल भाव धोई काटी नहीं ची। तापर दुईटी प्याज बटा नहीं ची, गोटे रसुण अल्प अदा को मु पेस्ट कर नहीं ची, गोटे बड़ आलू को काटी नहीं ची, 2 चामच दही नहीं ची, 2टी तेजपत्र नहींच्छी, अल्प जीरा और खंडे डालचीनी, लवंग 2टी नहींच्छी। एबे कड़ाई बसेबा, कड़ाई आमर गरम होगलानी, अल्प तेल को दबा। एटी मु सरस तेल को व्यवहार करछी, देखंतु कड़ाई आमर गरम होगलानी। एबे छतु को पकाइ नबा। हळदी 1 चमच दे देबा, देखतु एठी मु छोटा चमच रे 1 चमच हळदी देछि। आ भलो आउ ताको भाजी नबा। छतरु देखंतु पानी बाहरि आसलानी, याको घोडैबा पई पडिबो नै। देखंतु केते पानी बाहरि आसलानी, या मरिबा पर्यंत भाजीबा। हाई फ्लेम रे भाजीबा, देखंतु अल्प अल्प मरी आसलानी। देखंतु पूरा सुखिला हैला होई आसलानी, प्राय 10-15 मिनट लागिला भाजिबा पई। ताको भलो भाबरे भाजी नबा छतु को। देखंतु छतु आमर भजा होई आसलानी, पानी पूरा मरी जाइछि। एबे ताको ओल्है नबा, आ गोटे करै बसेबा। कड़ाई तेल गरम होगलानी, तेल 2 चामच दबा। एटे मु सरस तेल को व्यवहार करछी, आ तेजपत्र गोटा जीरा को पकाई दबा। एबे कटा हेतबा आलू को पकाई नबा, आ भलो भाबरे भाजी नबा। जेपरी आलू सीझी जाए, देखो आलू आमर सीझ ही आसलानी। एबे एठी मु 1 चमच काश्मीर लंका गुंड पकेछि, भल रंग। एठी आलू ऑप्शनल अछि, आपन चाहिले दे परंते, न देले भी चलिबो। एठू प्याज बटा को पकाई देली, 2टी बड़ प्याज को काटी मु पेस्ट कर नहीं छी। तापर घोड़ाई देली, 1 मिनट 2 मिनट पाई मु घोड़ाई देली। देखो तो प्याज रु पानी मरी आसिलानी, ताको भलो भाबरे भाजी नबा। तापर एठी अदा रसुन पेस्ट को पकाई देबा। पुणी आउ थरे घोड़ाई देबा, जेपरी आलू को भल भाव सीझी जाए। पानी देखते अल्प मरी आसलानी, एवं गुंड मसला सब पकई देबा। एटी मु हल्दी 1 चमच पकई देली, लुण स्वाद अनुसार पकई देली। तापर आउ गुंड मसला सब पकई देबा। एबे लंका गुड़ 1 चमच पकाई देवा, छोट चमच रे 1 चमच पकाई देवा, धनिया गुड़ 1 चमच, जीरा गुड़ 1 चमच, और भल भाव कषि देवा। लो टू मीडियम फ्लेम रे कषिबे। एटी मु आधा चमच मीट मसला को पकाई दीची। पानी देवा पाई पड़िबो नहीं। आ भल भाव कषि ने, देखु मसला आमर कषि आसलानी।
ପୁରା ଶୁଖିଲା ହୋଇଗଲାଣି, ମସଲା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ କଷା ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଦହିକୁ ପକାଇବା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦହି ପକାଇବେ ପୁରା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବେ, ନହେଲେ ଦହିଟି ଛିଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ବେଶୀ ତାତି ହେଇଥିବ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିକି ମଧ୍ୟ ଦହି ପକାଇ ପାରନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ଏବେ କଷା ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଛତୁକୁ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଛତୁଟି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ କଷା ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ଏଠି ବେଶୀ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି କାରଣ ଭାତରେ ମୁଁ ସର୍ଭ କରିବି, ତେଣୁକରି ପୁରା ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣ ଯେତିକି ଝୋଳ ଦରକାର ସେତିକି ଦେବେ, ଏହା ରୁଟି ସହିତ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗ୍ରେଭି ଟାଇପ୍ର କରିଛି। ଏଠି ଅଧା ଗରମ ମସଲାକୁ ପକାଇଦେବା ଆଉ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଛତୁ ଚଟପଟା। ଏହା ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା। ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ନମସ୍କାର।